हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, प्यार परी, सत श्री अकाल। और आप लोग सारे कैसे हो यार? मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। मेरा दिल कह रहा है तुम लोग सब अच्छे हो, ठीक है। और मुझे आपसे एक थोड़ी सी बात शेयर करनी थी, टाइम नहीं मिला तो अभी तो शाम का टाइम है तो मैं भी बता रहा हूँ। थोड़े दिन से पहले ही मुझे ना जिम से फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं दिवाली का ऑफ़र चल रहा है कि मेंबरशिप मेरा तो है ना वहाँ पे, तो कह रहे हैं आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप आ सकते हो, फिर से चालू कर सकते हो। क्योंकि मैं पहले तो जाता था लेकिन जिप्सी बीमार पड़ गया था, फिर उस मैंने छोड़ दिया था यार। जिप्सी के साथ हॉस्पिटल में रह गए थे हम, तो फिर उसके बाद जिप्सी गुजर गया, फिर हम पंजाब चले गए। मतलब लगभग मैंने 10 महीने लगा के चलो मैं जिम की तरफ मैंने ऐसे करके नहीं देखा, मतलब मैं गया ही नहीं जिम, देखा भी नहीं। तो अभी मैंने दीजिए को बोला था कि मुझे फ़ोन आया था, मैं चालू करता हूँ दोबारा, फिर से मुझे जाना है जिम, तो वो मना कर रही है। पता क्यों? कह रही है कि नहीं, वहाँ पे वेट उठवाते हैं और आजकल क्या है ना यार, हार्ट अटैक ये वो बहुत आते हैं कि हो गया हार्ट अटैक, हो गया जिम में ये हो गया, तो इसीलिए। वैसे उसने मुझे बोला है, सोच के बताएगी उसको सोचने का, अगर फिर मैं नहीं तो अगर उसका हाँ है तो कल मेरा पहला दिन होगा जिम में, मैं जाऊँगा जिम। अभी मेरा एक साल लगभग हो गया है जिम को छोड़े हुए। मान जाएगी पर डरती भी है ना, उसका डर भी ठीक है यार, लेकिन मैं उसको ट्रस्ट दिलाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं करना, मैं चाहे वेट नहीं उठाऊंगा, जो भी मुझे बोला जाएगा मैं वही करूंगा। ट्रेनर तो था मेरा, अमृतसर थे मेरे, तो शायद वो मुझे टाइम ना दे पाए भाई, लेकिन सर तो अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं टाइम का शायद प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर भी कोई और ढूंढ लूँगा। लेकिन मैं जिम जाना दोबारा चालू करूँगा, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ चाय पी के फिर हमें जाना है मार्केट, वो मेरा कुर्ता उसकी फिटिंग करवाना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, आज तू कर ले। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सबको। आप लोग कैसे हो? लवी ने तो गुड इवनिंग तो बोल दिया, मैं रह गई थी तो मैंने कहा चल मैं ही कर लूंगी, तो ये बीच में बोली जा रहा था। तो और आप लोग सब कैसे हो, क्या कर रहे हो? और क्या, कुछ भी नहीं, मस्त मस्त हवा में रह रहे हैं, कोई दुखी आत्मा है कोई सुखी आत्मा है। कुछ भी बोलता, जो भी बोलता बड़ा मस्त बोलता है। अभी शूज पहन रहा है, ये मस्कीटो ने काटा मुझे लवी, अभी वहाँ पे बैठेगी तो मच्छर आएंगे ना। गुड नाइट ऑफ कर रखा तुमने यार, धत ये देखो, गुड नाइट मेरे को अभी जस्ट काटा मेरे को मच्छर ने। तुम ही ऑफ करके जाती हो, मैं तो हमेशा ऑन करके जाता हूँ। नहीं यार, उस टाइम वो कैसे आग लग गई थी उसमें शीशे में, तो डर तो लगता ही है ना। वो उसका ये देखो शूज पहन रहा है, तो चलो मैनू इना दो अखियां तो तू रुक ज्यादा ही बोली जा रहा है, बचा लो मैनू जी इना दो अखियां। कौन है जो इसको बचाना चाहेगा? कोई नहीं बचाना चाहता ना, मैं बचना चाहता हूँ, मैं तो गाना गा रहा हूँ। मुझे पता है तेरे, तू क्या बोल रहा है सब पता है मेरे को। आया। या। अबे वो कहाँ रख दिया मैंने यार, उस दिन लेके आया था मैं। तुम अपना कुर्ता ले लो पहले, वो भी तो लेके जाना है। और भाई साहब कब कैसे? पता है मैं ना जब हम लोग सोफा वगैरह डिसाइड कर रहे थे ना, तो जो शू रैक डिसाइड कर रहे थे, तो मेरी चॉइस थी उस टाइम, तो मैं सोची थी एक शू रैक था साइड पे, शू रैक और उसकी साइड पे ना बेंच था, तो वो एक्चुअली उस वाले एरिया में ना वो फिट ही नहीं आता, तो ये लेना पड़ा हमें ये वाला, तभी सोफे पे बैठ के शूज पहनना पड़ता है। आई मीन शू रैक दिखाया तो लवी ने कहा ये ले ले, स्पेस भी कम हो रहेगा और आने जाने के लिए भी काफी, मतलब फिर हमने स्पेशियस, मतलब लोगों के लिए आने जाने के लिए, और यू नो वैसे तो शूज इतने हैं कि आधे तो वार्डरोब में पड़े हुए हैं, आधे स्टोर में पड़े हुए हैं, आधा स्टोर आधा वार्डरोब आधा पंजाब आधा यहाँ पे। शूज के तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं तो तेरे साथ रह के हो गया हूँ, मेरा तो दो जूतों में निकल जाता था। हाँ
अब मैं लेता हूँ जीन्स के हिसाब से, ब्लू जीन्स के साथ कैसे लेना है, डार्क जीन्स के साथ कैसे लेना है, कुर्ते पैजामे के साथ क्या लेना है। जुत्ती पहनता था लेकिन कुर्ते पैजामे के साथ अब मैं शूज ही पहन लेता हूँ, वो भी स्टाइल बन गया अपन का। अपन का स्टाइल जिंदा और अपन का स्टाइल जिंदा और अपन का स्टाइल जिंदा। शूज पहन लिया उसने, अभी हम ना बाहर जा रहे हैं। लवी कुर्ता ले लो, मुझे पता है ये बोली जा रहा है कि जिम जाना, ऐसा नहीं है, पहले भी ये जिम जाता था वो तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, बट कभी कभी यू नो मैं ओवर पजेसिव हो जाती हूँ क्योंकि मैं मेरी भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा था जिम में तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू नो कुछ लोग ना जिम में भी ना जानबूझ के स्टेरॉइड्स का यू नो एडिक्ट करवाने की कोशिश बहुत करते, तो मुझे इस बात का डर है। और ये मतलब यू नो मुझे एक डर के मारे मेरे को बताएगा नहीं, तो ये बात मैं सोचती हूँ बहुत सारी चीजें। तो मैं लूंगा थोड़ी मैं अपनी मेहनत से बनाऊंगा। मैं इतने 2 साल से जा रहा था तब नहीं मैंने ऐसा कुछ किया, अब क्यों करूंगा मैं कभी भी गलत काम करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो भी अब मैं अपनी लाइफ तू बहुत काम करता है, मैं अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूंगा। थोड़े बहुत रह गए हैं, थोड़े ढीले पड़ गए, बस लटक गए, तो जाने देना यार जिम। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस बार मैं कोई भी पाउडर शाउडर कुछ नहीं खाऊंगा, जो मेहनत से करूंगा वो मेहनत से करूंगा। वो तो पहले भी नहीं खाने दिया था मैंने। हाँ तो पर अभी थोड़ी कुछ करूंगा, ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, पता हाँ मुझे 20 देना पड़ेगा 10 देना पड़ेगा। इतना भी नहीं, तू मेरे को ना वो मत कर, तू मुझे सब पता है, जो हंसी है मैं तेरी हंसी से पहचान लेती हूँ। तू ना बहुत वो है, 10% मिल सकते हैं लेकिन 10% नहीं, क्या कहते हैं उसको, 1-2% मिल सकता है, 5% ऑफर या ऐसे कुछ मिलते हैं, कुछ भी सीधा 10,000 का सीधा बोलते उसको लवी गोली दे रहा है। हाँ मुझे गोली दे रहा है ये दुनिया वालों, मुझे गोली दे रहा है। दे मेरे को, आप लोग देख रहे हो ना गोली देते हैं मेरे को ये, लेकिन मैं बहुत होशियार हूँ, इसको पकड़ ही लेती हूँ मैं, इसकी जो हंसी हर चीज मैं पकड़ लेती हूँ इसको, ये कब झूठ बोल रहा है कब नहीं, और हमेशा जब भी झूठ बोलेगा ना इसका 1-2 दिन में सच आ जाता है सामने। इतना 1 घंटा रहेगा, 2 घंटे जिम में, पूरा 1-2 घंटे का ही वीडियो बनेगा तेरा। अच्छा हाँ, या फोन होल्ड करके रखना फिर। मैं नहीं मानती ये ना सच्ची में, इसको कोई भी ना अरे सर ये ले लो प्रोडक्ट, मुझे पता है पहले भी इसको बोला, अरे ये प्रोटीन शेक पता कितना मसल बनाता फाड़ का, वो ट्रेनर था हमारा अमित ये, अरे तुझे नहीं पता पते इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जल्दी बोल। मैं नहीं खा रहा अभी, आके खाऊंगा मैं, घूम के दे दूं फिर। नहीं खाऊंगा मैं, फ्रूट्स खा लूंगा। कुर्ता तो दे दिया इसने सिलवाने के लिए, इसने ना एक सलवार सा लिया है, मतलब बलून है कि धोती है पता नहीं, वो साइज का बोल रहा है, वो दुकानदार बोल भी रहा है कि नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये बड़ा साइज ही होता है। अभी को यही बोल रही थी मैंने, कहा वे दे विल नेवर एक्सेप्ट के इसका भी फिटिंग हो सकता है सलवार का, कभी नहीं एक्सेप्ट करते ये लोग। अब इधर देख तू सैड मत हो, अब मंडे को बोल रहा है कुर्ता मिलेगा सलवार भी, ट्यूसडे को दे दे मेरे को, वो नहीं है। हाँ खराब ना कर दे, मुझे स्ट्रेस हो गया। खराब करेंगे तो फिर
अब क्या कह सकते हैं यार, आपको बोला था ये ऐसे होते हैं यार। तो मैं तो कहती हूँ रहन दे, सलवार का फिटिंग रहन दे लवी, पंजाब में होते फिर भी कर लेते, तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। हाँ कर तो लेते हैं यार, करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे ना। हाँ मैंने भी तो इसे, इसका ब्लूम नहीं नजर आ रहा ना देख, ऐसा आना चाहिए नजर, वो ऐसे फुल्ला सा नजर आता है। तो एक मिनट, मैं उसको एक मिनट तुम पकड़ो, ये मान ही नहीं रहा। मैं इसको बोल रही हूँ, मैंने कहा खराब कर देंगे फालतू में, क्यों देना इनको, छोड़ो। जो कुर्ता ठीक कर रहे तो उसको ही ठीक करने दो, फालतू में क्या सिलवाना ठीक करवाना, बलून क्या है वो, धोती है क्या है यार वो। तो कह वैसे ही बकवासी करी जा रही कि इसको ऐसे ही होता है, इसका ऐसे ही होता है। कुछ लोग तो ऐसे देख देख के जाते हैं जैसे कोई गुनाह ही कर दिया वीडियो बना के, मतलब इतना बुरी तरह से घूर के जाते, बाप रे। ये आप देख सकते हो, वो लवी उसको बोल रहा है तुमने वो क्यों फॉलो नहीं किया, वही चीज उसको रोड लगी, बोल रही तुम मुझसे ब्रांड बात करो। ये कैसी लाइट्स आ रही है जैसे डिस्को, क्या बोला तूने, इतना वजन उठा रखा दे मेरे। अच्छा भैया, मस्त है, मस्त है, चल बहुत अच्छा है। लवी अभी फ्रूट ले रहा है, ठीक है, मैं उसकी वेट कर रही हूँ। ये फ्रंट पे पड़े हैं, आज तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक मैंने, या तो मैंने क्राउड देखा इतना, आज से सच्ची में नजायज ही ट्रैफिक था हमारे घर के पास। और क्या सारे जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले थे ना, वो भी थे, और थे इतने सारे लोगों के चालान, मैं तो पहन घर से ही पहन के गया था, कितने सारे लोगों के चालान कट गए, इतने सारे लेडीज भी थे कांस्टेबल। फिर फेस्टिवल है ना, तो हम लोगों की सेफ्टी के लिए भी करते हैं, और उनकी पता क्या होता है, ये सिस्टम होता है, करना पड़ता है। थक गई आज मैं तो रोज ही थक जाता। आप लोगों ने वो मूवी देखी खिचड़ी मूवी, वो इतनी फनी है, मुझे बहुत फनी, पता है खिचड़ी 2 भी आ रही है बहुत जल्द लगती है, मुझे दिखाई दी, बहुत फनी है ना। मैं तो थक गई, मैं तो फिर उसके पति का क्या नाम होता, वो याद नहीं यार, उसको हर चीज कैसे समझाता है। हंसा बैठ गई, मुझे अभी पता सब्जी बनाना है, पनीर की भुर्जी बनाना है। संडे है, 2 दिन मस्त। फ्राइडे आज भी थोड़ा सा अच्छा दिन था, बट क्राउड था, अब और बढ़ता जाएगा जनू, देखना। हमेशा होता, हर साल ही ऐसा होता है। सही है, मैं चाहूंगा उधर मुंबई साइड जाना बस। हाँ यार, बहुत सारी जगह थे हमें जाना था। सुंदर लग रही है, हमेशा ही लगती है, इसमें क्या है। अरे बाप रे, अरे बाप, और ये भी साथ साथ क्या क्या। हाँ कर दी ना तुमने, पर किस चीज का भाई, गाइस इसने हाँ कर दिए जिम के लिए। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं है कुछ भी, कुछ भी
कुछ भी अकेले अकेले खुलासा करी जा रहा है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा ठीक है, गर्मी आज बहुत गर्मी है भैया, अभी मार्केट में बहुत गर्मी। अरे हाँ, आज तो सच्ची में बहुत गर्मी है। मेरा दिल नहीं लग रहा अभी, मेरा भी बोर सा हो रहा हूँ मैं। मैं तो डबल सच क्यों आ रहा मैं, वो एक्चुअली टायर्डनेस है। कब जाएगा थकावट, कब जाएगी गाइस? तो कल परसों घूम के आते कहीं पर, छुट्टी पे जाएं क्या कल सैटरडे? क्राउड रील्स भी तो बनाना है यार, तू डिसाइड ही नहीं करता। कोई बात नहीं, खाना पुना खा के फिर डिनर करते हैं ना, बनाती हूं फिर मिलते हैं गाइस। देखना मैं इसको कह भी रही हूँ आजा चेंज कर, इसने मुझे बोला कि जाके चेंज कर, मैंने चेंज भी कर लिया इसके कहने पे। जब मैं आई तो देख मैं क्या कर रहा है, मेरे लिए प्यास छील रहा है और रो रहा है। ना रो लगी, मैं नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए, मैं नहीं देख सकती मेरे बाबा की आईज में आंसू ले ना लवी। हेल्प तो करता ही रहता, लेकिन ये क्या है, मैं कर देती ना। Okay. मेरे को हैबिट हो ही चुकी है। आजा अब चाय बना के, इसने पता चाय भी बनाया, पता मेरे को बोला कि जा चेंज कर, और मैं चेंज करके आई, जैसे मैं चाय भी बना पड़ा था, और इसने ये देखो प्याज भी छील रहा है। बीबियों की सेवा करने में अलग सा मजा होता है, उसका कोई वो नहीं है। ये मेवा मिलेगा मुझे ये तो मिलता ही है, तू मिलेगा क्या? नहीं मुझे अच्छा लगता है कभी कभी तुम्हारी हेल्प, ज्यादा कर दी तो ऐसा नहीं है। नहीं ये बहुत हेल्प करता है, अच्छा लगता है। और कुछ है, और बहुत ही प्यारा पुत भी है अपनी माँ का, मैं सच बोलूं। इसने अपनी माँ का इतना ख्याल भी रखता है, जब भी हम पंजाब जाते ना, मैंने ऐसा ना बेटा नहीं देखा है, मैं सच बोल रही हूँ। वो मैं उसको इधर रखते हैं गाइस, मम्मी को इधर रखता हूँ ना, तो वो ज्यादा टाइम नहीं रह पाती, उसको आता था खेत खुद देखने के, इधर कहाँ खेत दिखाओ उसको, फिर उसको वो जाना पड़ता है उसको। मम्मी बहुत बार रही है हमारे साथ, हाँ। अभी भी मैंने उसको बोला दिवाली पे आ जा हमारे पास, तो उसको कह रही है कि इधर नहीं सरता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना वहाँ पे सर्दियों में वहाँ पे नरमे की बो हो जाती है, फिर खेत भी देखने हैं मम्मी, चलिए खेत ही है यार। बाकी तो है हेल्प कर लो वहाँ पे घर पे संभालने के लिए, तुम सब कुछ अच्छा वहाँ पे हेल्प है यार। मम्मी को यहाँ पे दिल नहीं लगता, वो कहती है मुझे मुझे उसको कहती मुझे तो तीता शांति में रहने नहीं। पुत तो ये बहुत ही ज्यादा ही प्यारा है, इसकी मम्मी के बाकी के पुत इसके जैसे तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये बहुत प्यारा है, ये सबसे बेस्ट बच्चा है अपनी माँ का। तुम भी ऐसा नहीं है, तुम भी अपनी माँ की थोड़ा सा, मैं वही कहूंगा थोड़ा सा अलग जरूर हुए अपने माँ बाप से, लेकिन उनको शर्मिंदा भी महसूस ही नहीं करवाई है, कुछ बने हैं फिर तभी तो आज हमसे बात करते हैं। तुम्हारी मम्मी भी हमसे मिलती जुलती थी, वो तो चलो अब नहीं है, डैड नहीं रहे, मम्मी नहीं तुम्हारी नहीं रही, सो ओके नेवर माइंड, पर ऐसा तो नहीं ना कि मिलना जुलना ही बंद हो गया था हमारा। ये कह रहा है कि ये नाइट शूज बहुत पुराने हो गए, तो फेंक दे। अभी नहीं इतना खर्चा वर्चा नहीं करना है अभी, इट्स आई एम कम्फर्टेबल, अभी नहीं मैं कैसे बोल रहा देख पीछे से करे कलर फेड हो गया। अरे पता है मेरे सारे नाइस खराब इसके भी हुए रखे हैं, हम जाएंगे किसी दिन अच्छे टाइम पे, हाँ लोखंड वाला जाएंगे यार नाइस लेने, वहां पे तो बहुत अच्छी वैरायटी थी, वहां जाएंगे नाइस लेने। तो आपको व्लॉग जल्दी तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ एक दिन का व्लॉग जरूर आपको लोखंड वाला का दिखाएंगे, जिसमें हम वहां पे नाइस खरीद रहे हैं, क्योंकि नाइस सच्ची में यू नो थोड़ा सा हो गया, फेड हो गया है, तो अब इसने बनाया है चाय, ये गया है कपड़े चेंज करने। क्या स्ट्रेस हो गया अब गर्मी ना बाबा? अभी कुछ नहीं, पनीर की भुर्जी बन रही है। यस मैं थोड़ा सा उदास सा हूँ, और तुम बहुत ज्यादा अपसेट लग रही हो मेरे को। मैं बताती हूँ, जब ना हम लवी का कुर्ता है ना, हमने जब शॉप पे दे दिया था, हम जब बाहर निकले थे, जब स्कूटी को ये मतलब स्टार्ट करने वाला था, तो ना एक बेचारा बच्चा था, लड़का था वो, ही वॉज अराउंड 10-11 ईयर्स ओल्ड, एंड उसके साथ एक अंकल था, ही वॉज अ सीनियर सिटीजन,
तो उसने ना जैसे वो धोती टाइप नहीं होता, धोती और पगड़ी टाइप जैसा टाइट कुर्ता और धोती पहना हुआ था, इस टाइप का अंकल था वो। तो ना वो ना वो ना मैंने देख लिया था, वो बच्चे को कह रहा था मांग 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 ऐसे कर रहा था वो। तो मैंने लवी को, लवी ने मैंने लवी को बोला, मैंने कहा बच्चा है ना, मैंने कहा उसको फोर्स कर रहा है, मांग मांग कर रहा है उसको। तो मैंने कहा हम उसको कुछ खिला देते हैं। तो वहाँ पे कुछ अवेलेबल था ही नहीं, तो वहाँ पे एक जूस का दुकान था। तो ना मैंने लवी को बोला, मैंने कहा ये ना अंकल उसको फोर्स कर रहा है, पैसे मंगवा रहे हैं उससे, हम इसको कुछ दे देते हैं, जूस और कुछ खाने के लिए दे देते। तो हम लोग ना उस अंकल को बोला, बच्चे को बोला कि कुछ खाएगा, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो अंकल ने कहा नहीं पैसा देना है दो, नहीं तो हम लोगों को भूख नहीं लगी है, हम लोगों को नहीं खाना ऐसे, हाँ हमें पैसा चाहिए, हमें नहीं खाना वाना कुछ। तो मैंने कहा आपको नहीं खाना तो बच्चे को तो खाना है ना। तो उसको कहता नहीं नहीं हम खाते ही नहीं है, ऐसे से करी जा रहा है। तो और वो बच्चा लेके आगे चला गया, और वो बच्चा ना बार बार ऐसे, मतलब जैसे ऐसे जा रहा है ना, बार बार ऐसे देख रहा है। हाँ देख रहा है, वो ऐसे से देख रहा था बार बार मुड़ मुड़ के। तो हमें इतना बुरा लग रहा था यार, मैंने कहा हम दोनों ने यही सोचा, मैंने कहा उसको भूख जरूर लगे तभी ऐसे कर रहा है वो। तो हमने जूस पैक कराया और पॉपकॉर्न थे वहाँ पे, एक रेडी था पॉपकॉर्न वाला, वो पैक कराया और उसको स्कूटी लेके गए उसके पास। और वो अंकल उसके साथ बैठा हुआ था बच्चा, तो उसको बोला कि ये ले लो खाने, कहते नहीं नहीं, उसको बच्चे को उसने हाथ पकड़ लिया और बिठा दिया कि नहीं जाना है, हिलना ही नहीं है यहाँ से। मैंने कहा आप, फिर इसने भी बोला लवी ने, फिर मैंने भी बोला, फिर मैंने तो आपको नहीं खाना है तो बच्चे को खाना, उसको भूख लगी तभी तो आ रहा है, वो आ क्यों रहा है हमारे पास, अगर चाहिए ही नहीं तो उसको, बच्चे को थोड़ी पैसों से मतलब, उसको पेट भरना है अपना, कुछ खाना है। तो गाइस हमने ना उसको बच्चे को, मैंने पर अंकल पे मुझे तो गुस्सा आ गया था, सीधी सी बात है यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने तो वहीं पे बोला, मैं कहा तुझे पैसे इसलिए चाहिए कि तुझे ड्रिंक पीना है, ठीक है, तो अपने ड्रिंक के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, उसको भूख लगी है, तेरे को क्या मतलब है, चाहे उसका हम पेट भर रहे हैं तो तेरे को क्या पैसा लगा रखा है तूने। तो बच्चा मना कर देता ना अगर उसको नहीं खाना होता, सही है। तो इसको ये स्ट्रेस है कि पता नहीं वो उसका मतलब पोते की उम्र का था, जैसे वो दादा हो वो, लेकिन वो लग भी नहीं रहा था मैं तो नहीं, क्योंकि कितने सारे यू नो केसेस होते हैं कि ऐसे लोग बच्चे उठा लेते हैं, बच्चे चोर होते हैं, बच्चे उठा लेते हैं, वो लग भी नहीं रहा था, उसके माँ बाप भी नहीं थे कुछ, इतना बड़ा बैग उसको पकड़ रखा था बच्चे को, और एक हाथ में दो लीटर का बॉटल होता है वो, थम्सअप का नहीं होता, थम्सअप का पानी का बॉटल कंधे पे टांग रखा है, वो पॉलीथिन में नहीं था, वो कपड़ा सा लगा पड़ा था दुपट्टा से, उसपे झोले वाला झोला टाइप बंदा रखा था। तो उस वजह से तू इसको ना थोड़ा सदमा सा लग गया कि पता नहीं वो बच्चा कैसा, वो सेफ रहे यू नो, उसके साथ कुछ अनहोनी ना होती हो बच्चे के साथ। नहीं दे रहा है, हम जो दे रहे हैं खाना खाने नहीं दे रहा, उसका मतलब ये कि वो भूखा मार रहा है बच्चे को, कि वो भीख मांगे लोग उसको यू नो उसकी हालत देख के, बिकॉज उसको चक्कर कैसे आ रहे थे बच्चे को यार, ऐसे कर रहे, कितनी गर्मी हो रखी है बॉम्बे में, कुछ आज पांचवा दिन है मे बी, इट इज सो हॉट आउट हियर, उसको चक्कर आ रहे होंगे, तुम दारू पी के सो जाते होंगे, वो बच्चा पता नहीं भूखा सो रहा होगा यार, पता नहीं मेरे को ना स्ट्रेस ही हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, उस दिन देखा नहीं हम जब मैं अपना वो डॉक्टर के पास गए थे, हम तब देखा ना कितना मना कर रहे थे, लेकिन बच्चे तो खा रहे थे ना, फिर भी खा रहे थे ना, बच्चे मन के सच्चे, सच्ची में यार। चल तू टेंशन मत, इसको ही ना जब हम लोग समोसा देने गए थे, हम ये ना सच में जेनू ये स्ट्रेस ले जा रही है कि वो बच्चे के साथ ना यार कुछ बुरा ना होता हो, यू नो दैट, आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना। आजकल यार कोई थोड़ी देखता है कोई बच्चा है, आजकल लड़की के लिए भी दिक्कत है और लड़के के लिए भी दिक्कत है, सच्ची में वो पहले तो यू नो कुछ तो रूल, इसलिए तो मुझे बोल भी रही थी कि हम मैं पुलिस वाले को बुलाती हूँ लवी, मैं कह रहने दे, वो बेचारा डर के मारे तो यही बोलेगा ना कि मेरा दादा है, वो मुकर जाएगा बच्चा, क्या पता कितना डरा रखा हो, पुलिस वाले हमें बोलेंगे आप लोगों को इस लफड़े में मत पड़ो, यहाँ की मुंबई की पुलिस भी बेचारे वो भी क्या करें, कितने लोग हैं आपने दिखा ना उस दिन वीडियो में, तो बच्चे भी डरे होते हैं यार। तो ये ना चीज थोड़ा सा इसको सदमा लगा हुआ, तभी ये ना बात कर नहीं पा रही है। हमने खाना खा लिया, डिनर कर लिया हम, टीवी देख रहे हैं, आप सोचते होंगे इसी रूम में क्यों बैठते हैं, हम शाम को जब फ्री भी हो जाते हैं फिर हम थोड़ा टीवी देखते हैं, इसको भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा टीवी देख के थोड़ा दिल लग जाता है। हाँ बोर भी कम होते हैं जी, कुछ सीरीज देखते हैं, कुछ हम मूवीज देखते हैं, जो न्यू मूवी आती है प्राइम पे आती है, डिज्नी पे आ जाती है, वो देख लेते हैं।
और आप लोग बताओ यार, आप लोगों ने डिनर कर लिया? तो बाकी बस ठीक है गाइस, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर अपना और अपने आसपास, अपनी मॉम और डैड का, अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। शक्कर पारा जरूर करो, लाइक एंड कमेंट्स, बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स, सो बाय बाय।